अगर आप जेके बैंक एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा जेएंडके बैंक ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सभी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएगी इन जस्ट ₹999। ज्वाइनिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Hello everybody, a warm welcome to all. How are you all? I hope everybody is good. So, हमारे last lecture में हमने error spotting करी थी adjective पे based, और आज हम error spotting करेंगे pronoun के ऊपर. तो I hope everybody is ready. So, let's start. ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो है वो डिस्प्ले हो रही है. इन एग्जांपल्स में कुछ एरर है और हमें प्रोनाउन बेस्ड है एरर्स, और हमें इसमें से एरर्स को स्पॉट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही बॉट द बुक्स. अगर आप जेके बैंक एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा जेके बैंक ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, और ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी इन ₹999। सो ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी. थैंक यू. एंड पुट इट इन द बैग. ओके, ही बॉट द बुक्स एंड पुट इट इन द बैग. अब देखिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बुक्स की बात हो रही है. ठीक है, तो बुक्स यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है. ठीक है, यहाँ पे बुक्स की बात हो रही है. आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, तो आपका यहाँ पे क्या है, बुक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. जब हम लोग बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो पुट इट, अगर ये एक होती तो हम यहाँ पे इट लिखते तो इट्स ओके, ठीक है, चलता. लेकिन यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल में है तो हमें यहाँ पे इट नहीं लिखना है, हम यहाँ पे लिखेंगे देम. ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देम. तो हमारे पास करेक्ट जो बनेगी वो क्या बनेगी, ही बॉट द बुक्स एंड put them in the bag. okay, क्या बनेगी, he bought the books and put them in the bag. I hope कि clear हो गया होगा आपको. चलिए next example देखते हैं. okay, next example है हमारे पास यहाँ पे, let Rohit and she complete this job as they like to do it. okay, let Rohit and she complete this job as they Like to do it. आप देख सकते हैं यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं. ठीक है, एक यहाँ पे ये नाम है रोहित, और यहाँ पे सब्जेक्ट की फॉर्म में शी लिखा गया. ठीक है, एक और आ गया इसमें. तो अब देखिए यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज हुआ, लेट. अब मैंने आपको एक रूल करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कभी भी लेट आ जाए स्टार्टिंग में, इन दैट केस जो हमारे कभी भी कोई सब्जेक्ट आएगा तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगा, वो कौन सी फॉर्म में चेंज होगा, आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज होगा. तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे शी लिखा है ये क्या है, ये यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ पे शी नहीं आएगा. तो क्या आएगा यहाँ पे, लेट रोहित एंड हर. ओके, लेट रोहित एंड हर कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट. ओके, क्या आएगा, लेट रोहित एंड हर Complete this job as they like to do it. I hope आपको clear हो गया होगा ये. चलिए इसी के साथ next example देखते हैं. There should be no misunderstanding between your father and she. Okay. There should be no misunderstanding between your father and she. अगर आप JK Bank exam को crack करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा जेके बैंक ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, और ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी इन ₹999. सो ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी. थैंक यू. अब आप ये वाली एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे भी एक वर्ड यूज हो रहा है और वो वर्ड क्या है, बिटवीन. ठीक है, बिटवीन में भी क्या रहता है, जब ये बिटवीन वर्ड आ जाता है तो उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट आता है वो भी आपका कौन सी फॉर्म में रहता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है. तो इसके बाद जो सब्जेक्ट हमारे पास एक यहाँ पे आ रहा है वो है शी. ठीक है, तो शी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है ये, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हर. ठीक है, सेम एज दैट सेकेंड वन की तरह. तो क्या बनेगा हमारे पास, करेक्ट,
देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड हर. ओके, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड हर. ओके, यहां पे हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. यू आई एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली. ओके, यू आई एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली. अब आप देख सकते हैं यहां पे हमारे अलग अलग पर्सन आ चुके हैं. फर्स्ट भी है, सेकेंड भी है, थर्ड भी है. फर्स्ट है यहाँ पे, सेकेंड भी है और थर्ड भी है. अब यहाँ पे सारे के सारे पर्सन आ चुके हैं. अब हमने एक रूल किया था जिसमें मैंने बताया था कि आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन अगर एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं तो उसको हम लोग अरेंज कैसे करेंगे. ठीक है, तो वहाँ पे हमने एक कोड वर्ड टाइप सा बनाया था और वो कोड वर्ड था 2 3 1. ठीक है, 2 से मतलब सेकेंड पर्सन, 3 से मतलब थर्ड पर्सन एंड 1 से मतलब फर्स्ट पर्सन. अब आप देखिए यहाँ पे हम कैसे अरेंज करेंगे. फर्स्ट हमारे पास है सेकेंड पर्सन, तो हम लोग यू मतलब यहाँ पे करेक्ट है. फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, हमारा थर्ड पर्सन आना चाहिए, तो मतलब ही यहाँ पे आएगा. ठीक है, और आई आपका लास्ट में चला जाएगा. बन गया 2 3 1. तो देखिए जो करेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यू ही एंड आई शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली. एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, यू ही एंड आई शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. बिटवीन यू एंड आई सुहानी इज इंटेलिजेंट. ओके, बिटवीन यू एंड आई सुहानी इज इंटेलिजेंट. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्ड आ चुका है बिटवीन. ठीक है, एक वर्ड आ चुका है बिटवीन और उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट्स आ रहे हैं दो. ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी बिटवीन आ जाता है इन दैट केस हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बाद जो आते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में आ जाते हैं. अब यू का जो ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास वो यू ही है, तो यू यहाँ पे चेंज नहीं होगा, बट आई यहाँ पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज कि आई का जो ऑब्जेक्टिव केस रहता है वो रहता है मी. राइट, आई का ऑब्जेक्टिव केस रहता है मी. तो हम इसे कैसे राइट करेंगे, बिटवीन यू एंड मी सुहानी इज इंटेलिजेंट. ओके, बिटवीन यू एंड मी सुहानी इज इंटेलिजेंट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नॉट ओनली प्रिया बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स वॉज इंजॉइंग द पिकनिक. ओके, नॉट ओनली प्रिया बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स वॉज इंजॉइंग द पिकनिक. अब आप देखिए यहाँ पे एक पेयर आ रहा है, नॉट ओनली का और बट ऑल्सो का. अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी हमारे पास ये पेयर आ जाता है, ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट देख सकते हैं आप, यहाँ पे दो हैं, प्रिया भी है और यहाँ पे फ्रेंड्स भी है. ठीक है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है हमारा वर्ब उसी को देख के लगाया जाता है. तो वॉज जो हमने यहाँ पे लगाया वो क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ पे वॉज नहीं आएगा. फ्रेंड्स है मतलब प्लूरल में है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल हो जाएगा. ठीक है, वॉज नहीं आएगा यहाँ पे, तो वॉज का प्लूरल हम यहाँ पे करेंगे वर. ठीक है, तो जो हमारे पास करेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, नॉट ओनली प्रिया बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स वर इंजॉइंग द पिकनिक. ओके, नॉट ओनली प्रिया बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स वर इंजॉइंग द पिकनिक. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हमारी सेवेंथ एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं, Indian should never fight with each other. Okay, Indian should never fight with each other. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है each other, जो हमने रूल्स भी किए थे each other, one another. ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने उस पर क्या बताया था कि जो each other वर्ड होता है ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हम दो लोगों के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे होते हैं. ठीक है, दो से ज्यादा नहीं, जब हम लोग दो लोगों के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे होते हैं, उनके बीच में क्या कनेक्शन है उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ईच अदर का यूज करते हैं. अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दो लोगों के बारे में बात हो रही है, नहीं, यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे इंडियन मतलब जितने भी इंडियंस हैं उनके बारे में बात हो रही है, मतलब दो से ज्यादा, बहुत ज्यादा. ठीक है, तो उसके लिए मैंने लिखवाया था कि अगर दो से ज्यादा या
उससे भी ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही होगी, उनके रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही होगी, उनके बीच में क्या कनेक्शन है उसके बारे में बात हो रही होगी, उस केस में हम लोग ईच अदर का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, उस केस में हम लोग यूज करेंगे वन एन अदर का। ठीक है, ज्यादा लोगों के लिए हम लोग वन एन अदर का यूज करेंगे और दो लोगों के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग ईच अदर का यूज करेंगे। तो हमारे पास करेक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, इंडियन शुड नेवर फाइट विद वन एन अदर। ओके, क्या बनेगा, इंडियन शुड नेवर फाइट विद वन एन अदर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, वन ऑफ द टू सिस्टर्स हु इज द मोर इंटेलिजेंट। देखने में आपको इसमें कोई भी एरर नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा हाँ ठीक है इंसानों के बारे में बात हो रही है तो हु का यूज किया है, ओके तो आगे भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आपको ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक एरर है और वो एरर। ये था हमारा आज का डेमो लेक्चर, और अगर आप फुल फ्लेज वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा जेके बैंक ऑनलाइन कोर्स। और ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस ग्रुप में आपको सिर्फ लेक्चर ही नहीं बल्कि नोट्स, प्रीवियस पेपर्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ये सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी जस्ट इन 999 रुपीज़। सो गाइज, अगर आप रियलिटी में एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हरी अब जल्दी से ज्वाइन करो क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। थैंक यू, बाय।